हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। यहाँ एंटरटेनमेंट क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोगों को उसके हेल्प से एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ रिसीटेड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। आपको बताए भी थे रिसीटेड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट। रिसीट साइड में रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट है। तो जो रेवेन्यू रिसीट है मींस रेवेन्यू इनकम, उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो कैपिटल रिसीट है मींस लायबिलिटीज, उसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए कैपिटल रिसीट्स को इग्नोर कर देंगे। पेमेंट साइड में दो तरह का पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। और कैपिटल पेमेंट मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एसेट्स, उसको हम लोग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए यदि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। आइए हम लोग प्रोफॉर्मा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। कैसे बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू पीएल अकाउंट। जिस तरीके से हम लोग 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, सेम उसी टाइप से, उसी कॉन्सेप्ट, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आइए बनाते हैं प्रोफॉर्मा। हेडिंग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, यहाँ पर क्लब का नेम है इंटरटेनमेंट क्लब, तो ऑफ इंटरटेनमेंट क्लब फॉर द ईयर एंडेड, डेट है 31 मार्च 2016। डेबिट साइड है एक्सपेंडिचर साइड और क्रेडिट साइड है इनकम साइड। हम लोग 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते थे? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे एंड ऑल इनकम्स एंड गेंस को क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को डेबिट साइड ऑफ और एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ऑल रेवेन्यू इनकम्स एंड गेंस को क्रेडिट साइड ऑफ और इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, रिसीट साइड में है कैश बैलेंस, मीन्स ये ओपनिंग कैश है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ये एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट रिकॉर्ड होगा। सेकेंड है लाइफ मेंबरशिप फी 50,000, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव हो रहा है। क्लब में हर एक मेंबर्स को एनुअल मेंबरशिप फी देना होता है, साल में एक बार सदस्यता शुल्क देना होता है, तो इस तरह के इनकम क्लब को हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, हर कुछ दिनों के बाद होता है, और जनरली इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, छोटा राशि होता है, इसलिए क्लब के लिए रेवेन्यू इनकम। नॉर्मली इसको हम लोग इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेम्बरशिप फी नहीं, लाइफ मेम्बरशिप फी दिया हुआ है। मीन्स क्लब में कुछ ऐसे भी मेम्बर्स होते हैं जो होल लाइफ के लिए क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं। कभी कभी क्लब में कुछ ऐसे मेंबर्स आते हैं जो होल लाइफ के लिए क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं, और इसके बदले में कंपेरेटिवली वो जो मेंबरशिप फी अमाउंट पे करते हैं वो अमाउंट ह्यूज अमाउंट होता है, बिग अमाउंट होता है, बड़ा राशि होता है। तो फर्स्ट इस तरह का इनकम कभी कभी होता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मेंबर्स हैं जो होल लाइफ के लिए मेंबर बनना चाहते हैं, इसलिए फर्स्ट इस तरह का इनकम कभी कभी होता है, और सेकंड जनरली इसका अमाउंट ह्यूज अमाउंट होता है, बिग अमाउंट होता है, बड़ा राशि होता है, इसलिए ये क्लब के लिए कैपिटल इनकम। इस लाइफ मेंबरशिप फी को हम लोग यदि बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करते। यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट, अब क्लब में लॉकर होता है, उस लॉकर में
कोई भी पर्सन जो उस क्लब के मेंबर है, उस क्लब का सदस्य है, वो वहाँ पर लॉकर में कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई इन्वेस्टमेंट पेपर है, ऑर्नामेंट्स है, वो रख सकता है और उसमें ये माना जाता है कि नॉर्मली वो सेफ रहेगा। तो उसके बदले में एक नॉमिनल अमाउंट एज ए रेंट उसको पे करना पड़ता है। तो ये अमाउंट क्लब के लिए इनकम फर्स्ट, इस तरह का इनकम हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है। और सेकेंड, जनरली इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए लॉकर्स रेंट रेवेन्यू इनकम है। इसको हम लोग इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। लॉकर्स रेंट अमाउंट 22,000 रेवेन्यू इनकम, इनकम साइड में। सेकेंड, इंट्रेंस फी रेवेन्यू इनकम, इसको हम लोग इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शन, आपको बताया भी थे, सब्सक्रिप्शन क्लब का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चंदा, दान, क्लब को अपने मेंबर से मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। तो फर्स्ट, इस तरह के इनकम हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, हर कुछ दिनों के बाद होता है और जनरली इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए क्लब के लिए इनकम है, मीन्स रेवेन्यू इनकम है। इसको हम लोग इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कुछ इस टाइप से है, 2014, 15, 2016, 17 में 14,200, 15, 16 में 3,46,000, 16, 17 में 11,600, इस तरह से दिया हुआ है। तो फर्स्ट इसको ऐड करके आ रहा है 3,71,800, बुक में इस टाइप से अमाउंट दिया हुआ है। हमारे अकाउंटिंग है 31 मार्च 2016 को क्लोज हो रहा है, मीन्स स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2015 को। तो ये हमारा करेंट अकाउंटिंग ईयर है, तो इस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो करेंट ईयर का इनकम है और वो आएगा इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये जो अमाउंट है 1415 तो प्रीवियस ईयर था, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये 16-17 करेंट ईयर, तो 15-16 है, 16-17 तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तो अभी आया ही नहीं, तो वो हमारा जो रिसीव हुआ है वो करेंट ईयर का इनकम नहीं है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में इनकम में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली फॉर जो करेंट ईयर का रिसीव हो रहा है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये करेंट ईयर की इनकम है, कोई प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो रहा है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंट ईयर का इनकम नहीं है। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये हम लोग जब और आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ओके, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका हम लोग एक अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक अलग से वीडियो बनेगा और उसमें अच्छे से क्लियर हो पाएगा। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल दिया हुआ है, नेक्स्ट अमाउंट ₹2,00,000 डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। ये जो डोनेशन रिसीव हो रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव हो रहा है, मीन्स ये कैपिटल इनकम, इसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट, ये रेवेन्यू इनकम, बाय इंटरेस्ट 15,000, 15,000। मिसलेनियस इनकम, ये भी रेवेन्यू इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम 700-700 रुपया। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट का मीनिंग यह है कि आप देखेंगे सिनेमा हॉल में किसी किसी कपड़ा दुकान का, किसी शॉप का, किसी बिजनेस का, किसी इंस्टीट्यूशन का बीच में इंटरवल में एडवर्टीजमेंट दिखाता है। तो जो लोग ये एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ वो अमाउंट पे करते हैं, तो ये पैसा सिनेमा हॉल के लिए क्या है, ये इनकम है। फर्स्ट, इस तरह का इनकम हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, हर कुछ दिनों के बाद होता है। और सेकंड, जनरली इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए रेवेन्यू इनकम। तो ये इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये रेवेन्यू इनकम है, इसलिए ये इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। ट्वेल्व थाउजेंड, बारह हज़ार
पेमेंट साइड में रेंट दिया 48,000, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस तरह के एक्सपेंस हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, और इसका अमाउंट जनरली स्मॉल अमाउंट होता है। फर्नीचर परचेज 50,000, तो फर्नीचर परचेज हो रहा है 50,000 का, फर्स्ट इस तरह का एक्सपेंस कभी कभी होता है, क्योंकि हम लोग फर्नीचर डेली डेली परचेज नहीं करते, फर्नीचर कभी कभी परचेज करते, मीन्स इस तरह के एक्सपेंस कभी कभी होता है। और सेकंड, इसका अमाउंट जनरली ह्यूज अमाउंट होता है, बिग अमाउंट होता है, बड़ा राशि होता है, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स, ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सैलरी, स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो इस तरह का एक्सपेंस हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, हर कुछ दिनों के बाद होता है, और जनरली इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, हम लोग अपने बिजनेस में जो गुड्स है एसेट्स है उसका इंश्योरेंस करवाया, उसके बदले में हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर। फर्स्ट, इस तरह का एक्सपेंस हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, और सेकेंड, जनरली इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, मीन्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग मीन्स अब हमारे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आया, उसका जेरोक्स करवा के रखे, उसको प्रिंट करवाया, तो उसमें जो एक्सपेंसेज हुआ इसी को प्रिंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, इस तरह के एक्सपेंस हमेशा होता है, हर रेगुलर इंटरवल पर होता है, हर कुछ दिनों के बाद होता है, और सेकेंड, इसका अमाउंट स्मॉल अमाउंट होता है, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब दिया हुआ इन्वेस्टमेंट परचेज 3 लाख, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज मीन्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, किसी कंपनी का कोई फाइनेंशियल एसेट्स परचेज किए, इसी को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, इस तरह का एक्सपेंस कभी कभी होता है, क्योंकि इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कभी कभी करते हैं, और सेकेंड, जनरली इसका अमाउंट ह्यूज अमाउंट होता है, बिग अमाउंट होता है, बड़ा राशि होता है, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीन्स एसेट्स, ये कहाँ आएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश बैलेंस लास्ट में दिया हुआ 31 मार्च 16, 11,500 ये क्लोजिंग कैश है। एसेट्स, यदि बैलेंस शीट प्रिपेयर होता तो उसको हम लोग एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखते, यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर कर देंगे। अब टोटल करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इनकम साइड का टोटल देखते हैं कितना आता है, एंड एक्सपेंडिचर साइड का। सपोज इनकम साइड का टोटल एक्सपेंडिचर साइड से ग्रेटर हो तो जो डिफरेंस है वो सरप्लस, और सपोज एक्सपेंडिचर साइड का टोटल इनकम साइड से ग्रेटर हो जाए तो जो डिफरेंस है वो डिफिसिट। इनकम साइड का टोटल है 4,01,400 एंड एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 3,22,900, मीन्स इनकम साइड ग्रेटर है, यही टोटल बोथ साइड लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर साइड जो ऐड करके आ रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक इसे डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करके जो आता है वो क्या हो गया, सरप्लस। यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस बोलते हैं, टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर से 78,500 ज़्यादा, इनकम एक्सपेंडिचर से 78,500 एक्सेस है। ओके, थैंक यू।